सो हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग के 10 बजे, लेकिन आज हम मॉर्निंग में 6 बजे उठने वाले थे, लेकिन हमारा जो प्रोजेक्ट बना था ब्लॉग वाला, तो सारा कुछ डिलीट हो गया। और पता नहीं मेरे मतलब जो फोटोज थी, वीडियोज थी, सारा कुछ डिलीट हो गया। फिर मैंने बैकअप मारा तो सारा कुछ आ गया। मतलब सही में सुकून आया थोड़ा सा, लेकिन फिर से एडिटिंग करनी पड़ेगी मेरे को। तो हाँ, अभी फिलहाल हम रेडी हो चुके हैं और अब यहाँ से चल रहे हैं BHU, वहाँ पे बिरला मंदिर घूमने। तो चलते हैं यहाँ पे से पहले ऑटो लेंगे और सीधा BHU गेट चलेंगे, फिर वहाँ पे से काफ़ी ज़्यादा अंदर है, तो अभी फर्स्ट टाइम चल रहे हैं। चलिए, फिलहाल अभी हम रोड पे आ गए हैं। क्या बोला तूने? फिलहाल अभी हम रोड पे आ गए हैं और यहाँ पे से हम ई रिक्शा का वेट कर रहे हैं। चलिए, हमें ई रिक्शा मिल गया है और अब हम यहाँ से निकल गए BHU गेट के लिए। BHU गेट के पास पहुंच चुके हैं। हम लोग BHU गेट पहुंच चुके हैं, उर्फ यहाँ पे इसको कहते हैं लंका। यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पे सब चल रहे हैं। एक और ऑटो पकड़ेंगे और निकलेंगे यहाँ पे से मंदिर के लिए। यहाँ पे से हमें बिरला मंदिर जाने के लिए ऑटो मिल गया है और अब यहाँ पे से निकलेंगे हम बिरला मंदिर के लिए। हम लोग बिरला टेम्पल पहुंच चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा बड़ा टेम्पल है। चलते हैं, आपको यहाँ का टूर देते हैं, मतलब घुमाते हैं यहाँ और दर्शन करवाते हैं। तो यहाँ बिरला टेम्पल को श्री विश्वनाथ मंदिर कहते हैं और ये रहा यहाँ पे का फ्रंट गेट। और अंदर चलते हैं, सिक्वेंस वाइज आपको दिखाते हुए चलते हैं। यहाँ पे गेट के अंदर आते ही यहाँ पे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा देख सकते हैं। ये लोग आर्ट करते हुए और काफ़ी सारे ड्राइंगे सुंदर सुंदर से बनाए हैं यहाँ पे। वाओ, सही में ब्यूटीफुल। हम लोग फिलहाल बिरला टेम्पल में बैठे हुए हैं और भी यहाँ पे हमारे लिए एक म्यूजिक सुनाने वाले हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये सॉन्ग मेरे दिल के बहुत करीब है, ओ सनम। आके दिल को मेरे यूं तड़पाती है, ओ सनम मोहब्बत की कसम। बहुत अच्छा सॉन्ग लगा और ये सॉन्ग मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा था, तो मैं सिर्फ गुनगुना रहा हुआ हूँ और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हमें और काफ़ी ज़्यादा लोग इधर पे बैठ के देख रहे हैं।
सो फ्रेंड्स, ये चैनल जो है आशु रामनगर, प्लीज इसको आप सब्सक्राइब करिए। ये एक बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर आशु जी ने स्टार्ट किया एंटरप्रेन्योरशिप, और ये यंग हैं, टैलेंटेड हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको डिफरेंट टॉपिक के बारे में अच्छी जानकारी मिलती है, म्यूजिक, आर्ट्स, कल्चर के बारे में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इसको प्लीज एंड प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ये जो आशु है इसको ये अपने चैनल को और आगे बढ़ा सके। और हाँ, जो आपका नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करना ना भूले, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोज और मजेदार वीडियोज आने वाले हैं आपको पहले से पता चल जाएगा। तो ऑल द बेस्ट व्यूअर्स। थैंक यू फ्रेंड्स, ये वेल डन। तो ये भैया ने हमारे बारे में कुछ कहा है और बहुत अच्छा सा कहा है, तो वो सारी चीजें मैं आपको ब्लॉग में दिखा रहा हूँ। और चलिए, कल ब्लॉग मॉर्निंग में आ ही जाता है, मतलब यदि आज शूट हो रहा है हमारा ब्लॉग कल सुबह मॉर्निंग में दिख जाएगा। तो चलिए, फिलहाल अभी हम बिरला टेम्पल के दर्शन करने वाले हैं और चलते हैं अंदर। तो जो भैया थे अभी, तो उन्होंने हमें एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन दी है। यहाँ पे एक कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है वोडकम काशी के नाम से, तो ये शाम को 5 बजे स्टार्ट होने वाला है। तो आज शाम को 5 बजे मैं ट्राई करूँगा वहाँ पे जाने का और प्रोग्राम अटेंड करने का। तो चलिए, अभी फ़िलहाल तो टेम्पल घूम रहे हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल मंदिर दिख रहा है बाहर से, और काफ़ी ज़्यादा बड़ा मंदिर है। और ये चीज़ें कैमरे में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि कितना बड़ा मंदिर है लिटरली। और अभी मैं मंदिर के चारों साइड घूम करके इसकी सुंदरता का अनुभव कर पा रहा हूँ। लिटरली बहुत ज़्यादा सुंदर मंदिर है। आपको यदि वाराणसी आने का मौका मिले तो आप प्लीज़ बिरला टेम्पल आके यहाँ की सुंदरता का अनुभव जरूर करके देखें, और बहुत ज़्यादा सुंदर है यहाँ पे। ये मंदिर का बैक साइड है और इतना बड़ा मंदिर दिख रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं पहाड़ के एकदम नीचे खड़ा हुआ हूँ और पहाड़ के ऊपर मैं ऐसा देखने का कोशिश कर रहा हूँ। लिटरली बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है मंदिर, और यहाँ मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ इतनी सारी चीज़ें जो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। मंदिर के अंदर ही श्री पंचमुखी महादेव का एक शिवलिंग है। सीढ़ियों के रास्ते हम मंदिर के ऊपर आ चुके हैं, और यह मंदिर अब 1 घंटे के लिए फिलहाल बंद होने वाला है, और अभी यहाँ पे आरती चल रही है। चलते हैं, आपको जल्दी से आरती दिखाते हैं। नमः
नमः शिवाय। तो फिलहाल 12 बज रहे हैं और मंदिर अब 12 से 1 के बीच के लिए बंद हो जाएगा एक घंटे के लिए, क्योंकि जो पब्लिक यहाँ पे है मंदिर के कॉरिडोर के अंदर है वो पब्लिक बाहर जा सके, और नई पब्लिक जो है और जो नए दर्शन करने चाहते हैं तो सभी कोई अंदर आ सके। तो पूरा मंदिर का कैंपस बंद हो रहा है और यहाँ पे जितनी पब्लिक है और जितने भी दर्शन करने आए हैं बाबा भोलेनाथ के सभी को बाहर निकाला जा रहा है। तो मंदिर तो बंद हो चुका है एक घंटे के लिए और अभी फिलहाल काफी ज्यादा भूख लग रही है, तो यहाँ पे एक बादाम सेक लेते हैं। यहाँ पे काफी सारे स्टॉल्स है, तो यहाँ पे प्राइस आप देख सकते हैं सारी चीजों का। भाई एक बादाम सेक कर दीजिएगा। चलिए बादाम सेक आ चुका है यम्मी। तो यहाँ पे पास में एक ग्राउंड है एमपी थिएटर के नाम से, वहाँ पे एक कंपटीशन भी चल रहा था और यहाँ पे काफी बड़ा प्रोग्राम भी हो रहा है और काफी बड़ा ग्राउंड भी है। अभी तक देख सकते हैं काशी तमिल संगम की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की थी और यह 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक चलने वाला है। तो चलते हैं आपको अंदर दिखाते हैं सारी चीजें। अभी तक देख सकते हैं यहाँ के कल्चरल प्रोग्राम जो होने वाले हैं उनकी सारी कुछ लिस्ट लगी हुई है विथ डेट वाइज। ये प्रोग्राम 17 नवंबर से स्टार्ट है और लास्ट होगा 16 दिसंबर को। तो अभी फिलहाल मैं ऐसे ही घूमने आ गया था, लेकिन ये प्रोग्राम 5 बजे से शाम को स्टार्ट होता है। तुम्हारे पीछे सारी चीजें आप देख सकते हैं, लेकिन ये अभी स्टार्ट नहीं होगा, फिर हम नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आएंगे और शाम के वक्त आएंगे तो सारी चीजें आपको दिखा पाएंगे यहाँ पे हम। तो हाँ फिलहाल अभी यहीं पे हम देख रहे हैं और सारा चीजें पहले से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ताकि हमें जब आए तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो और हम इजिली सारा कुछ कर पाए। अब इधर के कल्चरल प्रोग्राम का सारा कुछ सेटअप देख सकते हैं और काफी ज्यादा अच्छा सेटअप किया गया अंदर, लेकिन ये सारी लाइटनिंग सिर्फ रात में ही अच्छी लगेंगी। और आप देख सकते हैं स्टेज का, तो अब निकल रहे हैं सीधा रूम के लिए। तो हमें यहाँ पे दो नागिन मिल गई हैं, आप देख सकते हैं। अरे ये दोनों भी लड़ रहे थे। ये दोनों पे एक ये एक ये, दोनों काफी ज्यादा मस्ती कर रहे थे अभी। The only thing I'll do is lay here next to you.